नमस्कार फ्रेंड्स, एसजी केजी स्टडीज एंड एसजी केजी 2.22 यूट्यूब चैनल्स पे आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, अभी हम गाइडलाइंस ऑन डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो डीपीसी के गाइडलाइंस जो डीओपीटी ने लेट डाउन किया है, जिसको सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉलो करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इस सेशन में हम प्रिपरेशन ऑफ पैनल्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस सेशन में हम प्रिपरेशन ऑफ चैनल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पहला वीडियो जो था वो फंक्शन, कंपोजिशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डीपीसी के बारे में। सेकेंड वीडियो प्रिपरेटरी एक्शन फॉर होल्डिंग डीपीसी के बारे में। थर्ड क्लास प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाई डीपीसी एंड दिस इज द फोर्थ क्लास इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ पैनल। सो आइए बड़े ध्यान से इसको समझते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पैनल, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कंसिडर्ड बाई द डीपीसी एंड ओवरऑल असेसमेंट ऑफ ईच कैंडिडेट वुड फॉर्म द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पैनल फॉर प्रमोशन ऑफ डीपीसी। सो प्रमोशन किसके बेसिस पे होगा? जो पैनल डीपीसी के द्वारा बनाया जाएगा। डीपीसी इसीलिए होती है ना, सुटेबिलिटी चेक करने के लिए, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, फिटनेस चेक करने के लिए। तो जो पैनल, जो लिस्ट जो बनाया जाएगा डीपीसी के द्वारा, उसी के बेसिस पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी के बेसिस पर ही डिपार्टमेंटल प्रमोशन दिया जाएगा। राइट, द फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी ऑब्जर्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द पैनल। सो पैनल के प्रिपरेशन में क्या क्या प्रिंसिपल हमें ध्यान में रखना है? नंबर वन, देयर शुड बी नो सुपरसेशन इन मैटर ऑफ सिलेक्शन, दैट इज मेरिट प्रमोशन एट एनी लेवल। सो देखिए क्या है, देयर शुड बी नो सुपरसेशन इन मैटर ऑफ सिलेक्शन प्रमोशन एट एनी लेवल। डीपीसी का काम है मेरिट लिस्ट बनाना, जो भी उनका प्रायोरिटी आ रहा है प्रायोरिटी के अनुसार उनका मेरिट लिस्ट बनाना है। मेरिट लिस्ट में किसी भी कंडीशन में नीचे वाले के ऊपर, ऊपर वाले को नीचे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरिट डिसाइड हो रही है ना डीपीसी के द्वारा। अगर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना है, तो फिर इस मेरिट का कोई क्या मीनिंग हुआ? सो इसलिए There should be no supersession in matter of selection promotion at any level, right? In the case of selection merit promotion, the distinction in the nomenclature select by merit and selection cum seniority has been dispensed with and the mode of promotion in all cases shall be selection only. तो अभी जो promotion हो रहा है ये सिलेक्शन बेस्ड हो रहा है। सो सिलेक्शन बेस्ड प्रमोशन होगा तो मेरिट बेस्ड हुआ। सिलेक्शन बेस्ड मींस मेरिट बेस्ड हुआ। इसमें सीनियरिटी कम सिलेक्शन होता है। ये पहले क्या होता था, सिलेक्शन बाय मेरिट भी होता था, दूसरा क्या होता था, सिलेक्शन कम सीनियरिटी भी होती थी। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन बेसिस पे ये डीपीसी तैयार की जाती है। So, the element of selectivity, higher or lower, shall be determined with reference to the relevant benchmark. Very good or good prescribed for the promotion. So, जब promotion का जो criteria बनेगा, उसमें mention किया रहेगा कि fit for promotion के लिए very good criteria चाहिए, benchmark चाहिए या good mark benchmark चाहिए। जो benchmark जिसके रिक्रूटमेंट रूल में, जिसके डीपीसी में मेंशन किया रहेगा, वही बेंचमार्क फॉलो किया जाएगा। नो डेविएशन फ्रॉम सच बेंचमार्क, राइट?
अब बेंचमार्क किसके लिए क्या है वो देख लेते हैं। हैविंग रिगार्ड टू द लेवल्स ऑफ द पोस्ट टू विच प्रमोशन आर टू बी मेड द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटीज अटैच टू द पोस्ट बेंचमार्क ग्रेड्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट फॉर विच प्रमोशन आर टू बी मेड बाई सिलेक्शन मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेंचमार्क कोई यूनिफॉर्म नहीं है, किस पोस्ट के हर पोस्ट के लिए एक ही बेंचमार्क होगा, बिल्कुल ऐसी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पे लेवल के अनुसार बेंचमार्क फिक्स किया गया है, किसी पे लेवल के लिए बेंचमार्क वेरी गुड हो सकता है और किसी पे लेवल के लिए बेंचमार्क गुड भी हो सकता है। सो बेंचमार्क विल वेरी एज पर द पे लेवल, एज पर द ग्रेड, एज पर द स्टेटस, एज पर द पोस्ट, बेंचमार्क विल वेरी। ऐसा नहीं कह सकते कि जो बेंचमार्क डायरेक्टर के लिए रहेगा वही बेंचमार्क एसएसओ एडी के लिए नहीं रहेगा, बदल सकता है। डिपार्टमेंट हैज राइट टू चेंज इट इन कंसल्टेशन विद डीओपीटी। सो यहां पर उसी चीज को मेंशन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बेंचमार्क ग्रेड्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली, सो उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। प्रमोशन टू द रिवाइज्ड पे स्केल ऑफ पोस्ट इन पे लेवल 12 एंड एबव, सो पे लेवल 12 एंड एबव के लिए बेंचमार्क क्या हो सकता है। द मोड ऑफ प्रमोशन शैल बी सिलेक्शन, सबसे पहला पॉइंट, सीनियरिटी बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी बेसिस पे नहीं होगा, किस बेसिस पे होगा, सिलेक्शन बेसिस पे होगा। द मोड ऑफ प्रमोशन शैल बी सिलेक्शन फॉर पे स्केल ऑफ पोस्ट इन लेवल 12 एंड एबव, द बेंचमार्क फॉर प्रमोशन शैल कंटिन्यू टू बी वेरी गुड। लीजिए, सो 12 लेवल 12 एंड एबव के लिए बेंचमार्क फॉर प्रमोशन इज वेरी गुड, अगर गुड है नॉट फिट फॉर प्रमोशन, वेरी गुड चाहिए बेंचमार्क तभी प्रमोशन के लिए कंसीडर किए जाएंगे। दिस विल इंश्योर एलिमेंट ऑफ हायर सेलेक्टिविटी इन कंपैरिजन टू सिलेक्शन प्रमोशंस टू द ग्रेड्स लोअर देन द अफोरसेड लेवल वेयर द बेंचमार्क एज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ शैल बी गुड वन। सो कह रहे हैं कि ये डिफरेंशिएट करेगा, ये डिफरेंशिएट करेगा कि 12 एंड एबव पे लेवल के लिए वेरी गुड बेंचमार्क चाहिए और उससे नीचे वालों के लिए गुड मार्क, गुड बेंचमार्क चाहिए। द डीपीसी शैल फॉर प्रमोशन टू द सेड पे लेवल एंड एबव द ग्रेड ऑफिसर्स एज फिट और अनफिट विच रेफरेंस टू द बेंचमार्क ऑफ वेरी गुड और एंड ओवरऑल असेसमेंट। सो क्या है, 12 एंड एबव के लिए अगर आपका वेरी गुड है तो फिट है, वेरी गुड नहीं है अनफिट है। मल्ली दोज हु आर ग्रेडेड एज फिट शैल बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्ट पैनल प्रिपेयर्ड बाय द डीपीसी इन ऑर्डर ऑफ देयर इंटरसे सीनियरिटी इन द फिटर ग्रेड। सो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को प्रमोशन के लिए कंसीडर किया जाएगा जिनको डीपीसी ने फिट लिखा है, और फिट लिखने के लिए जरूरी है कि आपका जो बेंचमार्क होना चाहिए वो वेरी गुड होना चाहिए, वेरी गुड से नीचे वाले को अनफिट लिख देंगे। देयर शैल बी नो सुपरसेशन इन प्रमोशन अमंग दोज हु आर फाउंड फिट बाय द डीपीसी इन टर्म्स ऑफ द अफोरसेड प्रिस्क्राइब्ड बेंचमार्क ऑफ वेरी गुड। सो जो वेरी गुड बेंचमार्क डिसाइड किया गया है, जो फिट डिसाइड किए गए हैं, उसमें ऊपर नीचे अपने मन से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जिसका जैसे पहले से सीनियरिटी है और उसके बाद से जो फिट अनफिट होता है, जो अनफिट है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, अनफिट एक्सक्लूड हो जाएगा, फिट पर्सन इंक्लूड हो जाएंगे। दैट मींस फिट पर्सन विल रिप्लेस द अनफिट पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिट पर्सन विल रिप्लेस द अनफिट पर्सन बट फिट पर्सन कैन नॉट रिप्लेस अनदर फिट पर्सन। जो पहले से फिट हैं
वो अपने ग्रेड पर 1 2 3 4 5 6 7 सीरियल नंबर पर बैठे हुए हैं, उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अ फिट पर्सन कैन रिप्लेस अनफिट पर्सन, बिकॉज हमें कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उस नंबर ऑफ वैकेंसीज के अनुसार हमें प्रमोशन करना है। तो अगर उतने कंसिडरेशन जोन में कुछ लोग कम पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ अनफिट इशू, तो अनफिट वाले को बाहर करेंगे और कुछ पीछे से नीचे वाले लोगों को कुछ ऊपर करेंगे। सो फिट पर्सन विल रिप्लेस अनफिट पर्सन, नो फिट पर्सन कैन रिप्लेस एनी फिट पर्सन, राइट। इन ऑर्डर टू इंश्योर ग्रेटर सेलेक्टिविटी एट हायर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द टीपीसी मे इंश्योर दैट फॉर द प्रमोशन टू लेवल 14 एंड एवं द प्रेस्क्राइब्ड बेंचमार्क ऑफ वेरी गुड इज इनवेरिएबली मेट इन ऑल अपार्स ऑफ 5 years अंडर कंसिडरेशन। देख लीजिए, अभी तक तो हमने 12 एंड 13 की बात की, जब 14 एंड एवव की बात आती है, ये सुपर हायर लेवल होते हैं, सो जब 14 एंड एवव की बात आती है तो वहां पर जो बेंचमार्क तो वेरी गुड ही रहेगा, वहां पर बेंचमार्क वेरी गुड ही रहेगा, बट इनवेरिएबली इट शुड बी वेरी गुड फॉर कंटिन्यूसली 5 years, not less than 5 years। ये डिफरेंस है लेवल 12-13 एंड 14 में। 14 में फिट होने के लिए बेंच मार्क वेरी गुड शुड बी इन अपार फॉर एटलीस्ट 5 years, कंटिन्यूअसली 5 years, तभी जाकर के वहां पे हो पाएगा। प्रमोशन टू ग्रेड्स बिलो द रिवाइज्ड पे स्केल ऑफ पोस्ट इन लेवल 12। सो बिलो प्रमोशन टू ग्रेड्स बिलो द सो बिलो 12 लेवल, बिलो पे लेवल 12 के बारे में, इंक्लूडिंग प्रमोशन फ्रॉम लोअर ग्रुप टू ग्रुप ए पोस्ट कैडर सर्विसेस। सो यहां पर क्या कह रहे हैं, अभी तक हमने 12 एंड 13 के बारे में पढ़ा, 14 एंड एबव के बारे में पढ़ जाना, अब हम 12 के बिलो दैट मीन्स 11 एंड बिलो की बात कर रहे हैं। 12 तो हम इससे पहले में कंसीडर कर चुके हैं, सो इट्स 11 एंड बिलो की बात कर रहे हैं। द मोड ऑफ प्रमोशन शैल बी सिलेक्शन, द बेंच मार्क फॉर प्रमोशन शैल कंटिन्यू टू बी गुड, चेंज हो गया। हाँ, जहां पर अभी हम थर्ड कैटेगरी में आ गए, फर्स्ट कैटेगरी पे लेवल 14 एंड एबव, पे लेवल 14 एंड एबव बेंच मार्क हैज टू बी इनवेरिएबली वेरी गुड फॉर कंटिन्यूसली 5 years। पे लेवल 12 एंड 13 बेंच मार्क फॉर प्रमोशन फॉर फिट इज रिक्वायर्ड टू बी वेरी गुड, एंड फॉर पे लेवल 11 एंड बिलो प्रमोशन क्राइटेरिया बेंच मार्क फॉर द प्रमोशन बेंच मार्क फॉर द फिटनेस इज गुड ओनली। इफ इन योर अपार गुड इज मेंशनड, दैट इज सफिशियंट टू मेक यू फिट फॉर द प्रमोशन। तो यहां पर अभी तक हम तीन कैटेगरी में समझ चुके हैं। द टीपीसी शैल बी फॉर द डीपीसी शैल फॉर प्रमोशन टू पोस्ट ग्रेड सर्विसेज इन द एफोरसेड कैटेगरी ग्रेड ऑफिसर्स एज फिट और अनफिट मनली विद रेफरेंस टू द बेंच मार्क और गुड। मनली दोज हु आर ग्रेडेड एज फिट शैल बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्ट पैनल प्रिपेयर्ड बाय द डीपीसी इन ऑर्डर ऑफ देयर इंटरसेसिनियरिटी इन द फीडर ग्रेड। सो इंटरसेसिनियरिटी मीन्स जो भी एम्प्लॉई होंगे जिनका लिस्ट बनाया जा रहा है प्रमोशन के लिए, चाहे वो रिक्रूटमेंट लेवल पे रहा हो और चाहे किसी और लेवल पे, उनको कहीं ना कहीं सीनियरिटी लिस्ट तो बनती है ना। सो उस सीनियरिटी लिस्ट को एज इट इज मेंटेन करते हुए फिट अनफिट डिसाइड किया जाएगा। उस सीनियरिटी लिस्ट में से जो अनफिट हो जाएंगे उनको एक्सक्लूड कर देंगे और नीचे से जो फिट पर्सन है उसको वहां पर आगे ले जाएंगे। सो जहां जहां अनफिट पर्सन इंप्लॉय मिलेंगे वहां वहां फिट पर्सन उससे ऊपर चलते जाएंगे और अनफिट पर्सन नीचे आ जाएंगे, और फिट पर्सन विल रिप्लेस द अनफिट पर्सन। सो बट फिट पर्सन कैन नॉट रिप्लेस द फिट पर्सन,
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिट पर्सन मान लीजिए कि 1 से लेकर के 5 तक, ए फिट, बी फिट, सी फिट, डी फिट, ई फिट। अब एफ आ गए, एफ को आप 1 पोजीशन पे 2 पोजीशन पे नहीं डाल सकते। अगर एफ फिट है तो 6th सीरियल पे रहेंगे, और अगर एफ अनफिट है, लिस्ट से पीछे नीचे आ गए, बाहर चले गए इस फिट लिस्ट से, कंसिडरेशन जो से बाहर, और किसी दूसरे को नीचे से ऊपर लाया जाएगा। तो इसलिए ये फिट वाले अपने एक दूसरे को सुपरसीड नहीं कर सकते, फिट वाले सिर्फ अनफिट वाले को सुपरसीड करेंगे, राइट। अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम द पैनल शैल बी मेड इन द ऑर्डर ऑफ नेम्स अपियरिंग इन द पैनल ऑफ प्रमोशन। जिस तरीके से पैनल होगा प्रमोशन का, उसी तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाएगा। वेयर सफिशियंट नंबर ऑफ ऑफिसर्स विद द रिक्वायर्ड बेंचमार्क ग्रेड आर नॉट अवेलेबल, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। वैकेंसी 100 है, 110 लोग कंसिडरेशन जोन में, 150 लोग कंसिडरेशन जोन में होने चाहिए, उतने लोग अवेलेबल ही नहीं है। आने वाले समय में हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा सिचुएशन अराइज हो सकता है, उतने लोग अवेलेबल ही नहीं है जितने लोगों को कंसिडरेशन जोन में, क्या प्रमोशन जोन में आना चाहिए। तो नॉट अवेलेबल, देन विद इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन ऑफिसर्स विद द रिक्वायर्ड बेंच मार्क विल बी प्लेस्ड ऑन द पैनल, एंड फॉर द अनफिल्ड वैकेंसीज द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी शुड होल्ड अ फ्रेश डीपीसी बाई कंसिडरिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑफिसर्स बियॉन्ड द ओरिजिनल जोन ऑफ कंसिडरेशन। सो 100 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 150 DDs का डीपीसी करना है, 150 DDs का डीपीसी करना है। फॉर एग्जाम्पल 111 ADs अवेलेबल है, प्रमोशन कितने का करना है, वैकेंट कितना है 150, अवेलेबल कितने हैं 111, क्या करेंगे। और चाहे ये भी मान लेते हैं कि 150 वैकेंसी है और अवेलेबल भी 150 है, तो उसमें से कुछ अनफिट हो गए, जो वैकेंसी बचेगी उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे फिल्टअप करना है। तो क्या करेंगे, फ्रेश डीपीसी करेंगे, फ्रेश डीपीसी करेंगे, पीछे नीचे वाले जो लोग हैं उनको भी उसमें इंक्लूड करेंगे, कंसीडरेशन जोन बढ़ाएंगे, और बढ़ा करके फ्रेश डीपीसी करना है। आप देखते जाइए, हम डीपीसी की वेराइटी की भी यहां पर चर्चा कर रहे हैं। एक तो ओरिजिनल डीपीसी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाती तो फ्रेश डीपीसी, ये सेकेंड हो गया। आगे देखते हैं क्या है, कंसिडरेशन ऑफ SC ST ऑफिसर्स, SC ST को प्रिफरेंस दिया गया है। सो इन प्रमोशन टू द पोस्ट सर्विसेज इन ऑल ग्रुप्स अप टू द लोवेस्ट रंग इन ग्रुप ए, सिलेक्शन अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर SC ST विल बी मेड ओनली फ्रॉम दोज SC ST ऑफिसर्स। सो कंडीशन ये है कि SC ST का जो वैकेंसी है, जो सीट है, SC ST का जो वैकेंसी है, जो सीट है, दैट विल बी फिल्ड अप बाय SC ST कैंडिडेट्स ओनली, दोज हु आर इन विद इन द नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन, वेयर एडिक्वेट नंबर ऑफ SC ST कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल within the normal zone of consideration, it shall be extended to 5 times the total number of vacancies for which select panel is to be prepared, and the SC ST candidates coming within the extended field of choice should also be considered against the vacancy reserved for them. As it is, हमने इससे पहले जो देखा है पैनल बनाने में, उसमें SC ST के केस में 5 times हम कंसिडर करते हैं। अगर अगर 10 वैकेंसी है तो 50 कंसीडरेशन जोन में आते हैं, तो SC ST में एक्सटेंडेड जोन है 5 times, सो 5 times हम उसमें कंसीडर करते हैं। फॉर व्हाट पर्पस, टू फिल अप द वैकेंसी। इन प्रमोशन बाय सिलेक्शन टू पोस्ट विद इन ग्रुप ए क्लास 1 कैरिंग ग्रेड पे 8700, दैट इज पे लेवल 13 और लेस, द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ऑफिसर्स हु आर सीनियर
enough in the zone of consideration for promotion so as to be within the number of vacancy for which select list has been drawn up would be included in that list provided they are not considered unfit for. So agar unfit for promotion nahi hai to unko aage wale pe bhi consider kiya jayega, right? Preparation of year wise panel by DPC where they have not met for a number of years. ऐसा होता है, कुछ ऐसे डोरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्लीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो बहाने ढूंढ ढूंढ करके और डीपीसी नहीं करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि चाहे जितने भी एक्सक्यूजेज हों वो मॉडल कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं और टाइमली प्रमोशन करते हैं, और कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट है, चिर परिचित डिपार्टमेंट है, आपको पता है, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। सो ऐसे लोग क्या करते हैं, पंचवर्षीय, दस वर्षीय योजना लाते हैं डीपीसी करने के लिए। कभी पांच वर्ष पे डीपीसी होती है, कभी दस वर्ष पे डीपीसी होती है। ऐसा लगता है जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट ही नहीं है, ये डीओपीटी का ऑर्डर फॉलो ही नहीं करते, यूपीएससी इनकी सुनती ही नहीं है। बाकी लोगों का डीपीसी अगर यूपीएससी में जाता है वो टाइमली होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डीपीसी अगर यूपीएससी में जाए पता नहीं ये ठीक से कर नहीं पाते हैं या करवा नहीं पाते हैं, राम जाने। इन ऑल कंडीशन अगर एनुअल डीपीसी जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है तो एक्युमुलेट हो जाएगी ना, दो साल की भी हो सकती है, तीन साल की भी हो सकती है, चार साल की भी हो सकती है, पांच साल की भी हो सकती है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट तो पंचवर्षीय योजना पर काम कर ही रहे हैं, दस वर्षीय योजना पर काम कर ही रहे हैं। ऐसे में क्या करेंगे, जो पैनल बनेगा वो ईयर वाइज बनेगा, जो भी पैनल बनेगा वो ईयर वाइज बनेगा। 2013, 14, 15, 16 इसमें कौन से डीडी बनने वाले हैं, 17, 18 में कौन डीडी बनने वाले हैं, 18, 19 में कौन बनने वाले हैं, और 19 से ईयर वाइज हो गया। सो ईयर वाइज पैनल बनेगा जहां पर टाइमली डीपीसी नहीं हुआ है, राइट? वेयर फॉर रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल, बियॉन्ड कंट्रोल क्या, नेचुरल कैलेमिटी हो गई है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, कोरोना आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बस डीपीसी ही नहीं हो रही है। वेयर द रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल द डीपीसी कुड नॉट बी हेल्ड इन अ ईयर इवन दो द वैकेंसीज अरोज ड्यूरिंग दैट ईयर द फर्स्ट डीपीसी दैट मीट्स देयर आफ्टर शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर। सो पहली मीटिंग जो होगी पंचवर्षीय योजना दस वर्षीय योजना के बाद, उनको क्या क्या रूल फॉलो करना है, डिटरमाइन द एक्चुअल नंबर ऑफ रेगुलर वैकेंसीज दैट अरोज इन ईच ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ रेगुलर वैकेंसीज प्रपोज टू बी फिल्ड इन द करेंट ईयर सेपरेटली। सो हर वर्ष का अलग से एक्चुअल वैकेंसी लिस्ट बनाना है, डिटरमाइन द एक्चुअल नंबर ऑफ रेगुलर वैकेंसी दैट अरोज इन ईच ऑफ द प्रीवियस ईयर, हर प्रीवियस ईयर का अलग से वैकेंसी लिस्ट बनानी है। और एक तो एक्चुअल नंबर ऑफ रेगुलर वैकेंसीज बनानी है, दूसरी एक्चुअल नंबर ऑफ रेगुलर वैकेंसी प्रपोज्ड टू बी फिल्ड अप इसकी बनानी है, दोनों चीजें अलग अलग है। 2018 में वैकेंसी 150 की थी, उस 2018 की डीपीसी 2023 में हो रही है, तो क्या 2023 में भी उस 150 वैकेंसी के अगेंस्ट में आप 1.50 ही प्रपोज कर रहे हैं या कम या ज्यादा कर रहे हैं, ये भी आपको लिस्ट में मेंशन करना पड़ेगा। सो यहां पर एक्चुअल नंबर ऑफ रेगुलर वैकेंसी दैट अरोज इन ईच ईयर सेपरेटली, एक्चुअल नंबर ऑफ रेगुलर वैकेंसी प्रपोज्ड इन दैट करेंट ईयर सेपरेटली, देन consider in respect of each of the years those officers who only who would be within the field of choice. अब इसमें क्या करना है, आपने 2018 का वैकेंसी बता दिया 150,
2018 में आपको फील्ड भी करना है, प्रपोज्ड है आपकी कि वैकेंसी को फिलअप करेंगे, 150 का 150 करेंगे, अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, 2018 की जो वैकेंसी है उसको 2022 वाले एडी से फिलअप कर सकते हैं क्या? शायद नहीं कर सकते। तो इसलिए टूथ आपको फिलअप तो करना है 150, वैकेंसी आपके पास 150 फिलअप करना है 150, लेकिन आपके पास उस ईयर में 2 ईयर मिनिमम 2 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस एज ए एडी कौन कौन बचे उसका लिस्ट बनाना है, राइट? देन प्रिपेयर अ सिलेक्ट लिस्ट बाय प्लेसिंग द सिलेक्ट लिस्ट ऑफ द अर्लियर ईयर अबव एंड वन फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो उसके बाद से हर साल का प्रपोज्ड ये है, वैकेंसी ये है, प्रपोज्ड ये है, और उसके अगेंस्ट में सो आर फिट, ऐसे लिस्ट आपको बनाने हैं। कब? जब ईयर वाइज पैनल नहीं बन पाया होता, जब लंबे गैप के बाद पैनल बन रहा होता। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट टू एबव, दिस इज द पॉइंट टू एबव, इट इज क्लेरिफाइड दैट इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड दोज persons who were in position during the relevant vacancy year but have retired before holding the DPC. Very important. जब भी DPC की लिस्ट आती है ना, हम देखते हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उसमें लास्ट में कॉलम में मेंशन हुआ होता है रिटायर्ड 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 रिजाइंड डाइड, कुछ ना कुछ रीजन लिखा होता है। क्यों? क्योंकि इस रूल के अनुसार उस ईयर में कौन एलिजिबल थे, 2018 में जो एलिजिबल थे उनका लिस्ट बनेगा। जो एलिजिबल थे वो प्रमोशन के एलिजिबल थे, फिट थे, फिट का लिस्ट बनेगा, और उस वैकेंसी के अगेंस्ट में इस फिट को फिट किया जाएगा। जब 2018 के वैकेंसी ईयर में 2018 में जो एलिजिबल ऑफिसर्स थे उनको फिट किया जाता है, तो उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो 2023 तक रिटायर हो चुके होंगे, क्योंकि डीपीसी तो आज के डेट में हो रही है। तो प्रेजेंट पोजीशन क्या दिखाएंगे, सब रीजनल ऑफिस कोयम्बतूर, हेडक्वार्टर दिल्ली, सब रीजनल ऑफिस मरोल, लोकेशन दिखाएंगे ना, तो जो रिटायर्ड हो गए उनका क्या दिखाएंगे, रिटायर्ड। सो रिटायर्ड लोगों का भी पैनल में नाम होता है। क्यों? क्योंकि उस पार्टिकुलर ईयर में डिपार्टमेंट फेल्ड टू कंडक्ट डीपीसी, दो दे वेयर इलिजिबल, दो दे वेयर फिट, ये भी डिपार्टमेंट के नाम पे, सोए हुए डिपार्टमेंट के नाम पे एक करारा तमाचा है, जोरदार तमाचा है। डिपार्टमेंट को ऐसे करतूतों से बचनी चाहिए, और साल में कम से कम रेगुलर डीपीसी तो करनी ही चाहिए। दिस इज कंसिडर्ड इंपरेटिवली टू आइडेंटिफाई द करेक्ट जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर द रिलेवेंट ईयर्स। सच रिटायर्ड ऑफिशियल्स वुड हाउएवर हैव नो राइट फॉर एक्चुअल प्रमोशन। वो तो रिटायर हो गए हैं, तो उनका एक्चुअल प्रमोशन का राइट कहां बनता है? 2018 में अगर होता तो वो लोग प्रमोट हुए होते, उनको 2018 में आपने किया नहीं, 2023 में कर रहे हैं, तो अभी तक वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो रिटायर्ड लोगों को कौन सीट देगा, कौन ऑफिस, कौन सा अपॉइंटमेंट? सो सच रिटायर्ड ऑफिशियल्स वुड हाउ एवर हैव नो राइट फॉर एक्चुअल प्रमोशन, राइट? तो इस तरीके से हमने डीपीसी के प्रिपरेशन के बारे में देखा, डीपीसी के पैनल के बारे में देखा, पैनल कैसे कैसे बनाना है, कब कब बनाना है, उसमें वैकेंसी ईयर का अलग से लिस्ट बनेगा, प्रपोज्ड फील्ड अप वैकेंसी का अलग से लिस्ट बनेगा, और उस वैकेंसी ईयर में अगर लेट से हुआ है डीपीसी तो जो रिटायर्ड पर्सन थे उनका भी नाम उस प्रमोशन लिस्ट में रहेगा। However, they have no right for actual promotion, right? आज का नीति श्लोक, और आज का नीति श्लोक हमने पंचतंत्र से लिया है। पंचतंत्र एक चिर परिचित
कहानियों का संग्रह है जिसे पंडित विष्णु शर्मा जी ने लिखा है और वह हमें बहुत कुछ सीख दे जाती है। आइए उस पंचतंत्र की कहानियों को देखते हैं। कहानी नहीं कहेंगे, श्लोक है। वर्धमानो महास्नेह सिंह घोष विषयोन्नवे पिशु ने नाति लुब्धेन जम्बुकेन विनाशितः। अर्थात किसी वन में एक सींग और एक बैल साथ साथ रहा करते थे। ये किसी कहानी का शॉर्ट है। हमें क्या, हमें इस कहानी से, हमें इस श्लोक से क्या सीख मिलती है? व्यक्ति को धूर्त लोगों की बातों में आकर के अपने मित्रों पर अविश्वास नहीं करनी चाहिए। जहां भी मित्रवत संबंध होंगे, कोई ना कोई ईर्ष्यालु जिलसी व्यक्ति की एंट्री हो जाती है और वो जय और विजय की जो दोस्ती है उसमें दरार डालने का प्रयत्न करते हैं। धर्म और वीर की जो जोड़ी होती है उसे अलग करने का प्रयत्न करते हैं। समझदार व्यक्ति जो होगा वो धूर्त लोगों की बातों में आकर के अपने मित्रों पर अविश्वास नहीं करेगा। और अगर धूर्त लोगों की बातों में आकर के अपने मित्र पर अविश्वास करते हैं तो इसका परिणाम निसंदेह बड़ा भयंकर होता है, बहुत भयंकर होता है। इसमें क्या, कहानी में क्या है, किसी वन में एक सींग और एक बैल साथ साथ रहा करते थे। सिंह जंगल का राजा और स्लो गोइंग बैल, ये दोनों साथ साथ रहा करते थे। इसका मतलब कि मित्रवत व्यवहार में रहा करते थे। मित्र होने की कसौटी बराबरी बिल्कुल नहीं होती। अगर भगवान श्री कृष्ण भी धनी है तो उनके मित्र सुदामा भी धनी हो ये आवश्यक नहीं है। ऐसा देखा गया है कि मित्रता जो होती है करीब करीब किसी प्रोपोर्शन की मोहताज नहीं होती। अमीर की मित्रता गरीब के साथ और गरीब की मित्रता अमीर के साथ, छोटे की मित्रता बड़े के साथ, बड़े की मित्रता छोटे, देखी गई है, होते हैं। ये जंगल में भी सींग के साथ बैल की मित्रता है, उन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन एक धूर्त और चुगलखोर गीदड़ में, सियार में, लेकिन एक धूर्त और चुगलखोर गीदड़ ने उन दोनों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल डाला। ये पंचतंत्र की कहानी है साहब। यहां पर जो उदाहरण दिए जाते हैं वो पशु पक्षियों के द्वारा दिए जाते हैं। यहां पर वार्तालाप जो कराए जाते हैं वो पशु पक्षियों के द्वारा करवाए जाते हैं, लेकिन जो शिक्षा दी जाती है वो हम मनुष्यों को दी जाती है। अगर कोई परम मित्र हमारा है, कोई हमारा परम हितैषी है, तो हमें किसी धूर्त की बातों के भी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी के बातों में आना ही नहीं चाहिए। अगर किसी की बातों में आ करके हमने अपने परम मित्र को छोड़ दिया, अपने परम मित्र पर हम अविश्वास करने लगे, तो इसके परिणाम अत्यंत भयंकर होते हैं, अत्यंत भयंकर होते हैं। इसलिए अपने दोस्त पे भरोसा रखिए, अपने मित्र पर भरोसा रखिए, अपनी मित्रता पे भरोसा रखिए, अपने भरोसे पे भरोसा रखिए और अपने मित्र पर संदेह करना छोड़ दीजिए। राइट। ये आपका चैनल SGKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए डिस्कशन के साथ, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ एंड कुछ नए इंस्पिरेशनल कोट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।